अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो जीरो लिखो, एक दो तीन चार, सबका बटे में चार कर दीजिए, इनका कर दीजिए स्क्वायर रूट, ठीक है। जीरो एक दो तीन चार बटे में चार कर दो, रन रूट कर दो, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की। साइन थीटा का वैल्यू जीरो जाएगा तो जीरो, एक बटे चार क्या, एक बटे दो, दो एकम दो, दो चार, एक बटे रूट टू, अंडर रूट तीन बटे टू और वन, ये हमारे पास वैल्यू होगी साइन थीटा की, ठीक है। फिर होता है कोस थीटा, कोस थीटा का तो इधर से शुरू कर दीजिए, वन रूट थ्री बाय टू, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन टू और जीरो, ये होगा हमारे पास कोस थीटा की। फिर होता है टेन थीटा, क्या होता है वैसे, टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। आपने इस टेबल को रटने की जरूरत नहीं है, आपको बढ़ाने आनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा, एट पॉइंट में से नहीं आएगा तो नाइन्थ चैप्टर में से जरूर आता है। तो साइन बटे को जीरो बटे एक क्या होता है, जीरो, एक बटे दो बटे एक करेंगे क्या होगा हमारे पास भाई, वन बाई टू डिवाइडेड करेंगे रूट थ्री बाई टू तो क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट टू इंटू में क्या हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री, मीन्स क्या होगा, वन अपॉइंट रूट थ्री, मैं इस जगह क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉइंट रूट थ्री, दोनों सेम में वन होगा, ये क्या हो जाएगा रूट थ्री, एक बटे जीरो क्या हो जाता है इन्फिनिटी, नो सोल्यूशन। ये हमारे पास हो गया टेंजेंट की, टेंजेंट के बाहर आता है कोट, कोट से क्या होता है एक बटे टेंजेंट थीटा, टेंट बताया था मैंने पहले, कोट का था टेंजेंट को उल्टा कर दीजिए, इसकी जो वैल्यू उल्टी कर दी सारी, एक बटे जीरो बटे एक है तो क्या हो जाएगा, एक बटे इन्फिनिटी या ऐसे ही है, इसको इसका उल्टा क्या हो जाएगा रूट तीन बटे एक, वन ये वन अपॉन रूट थ्री, एक बटे इन्फिनिटी क्या हो जाता है जीरो, ये आ गया हमारे पास कोट थीटा। फिर क्या होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा मैंने बताया था किसका उल्टा होता है, एक बटे कोस थीटा लिखते हैं इसमें, यानी कोस का रूट कर दिए, एक दो बटे रूट तीन अंडर रूट टू बटे वन, टू अपॉन वन, अरे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये है वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोसेकेंड, कोसेकेंड क्या होता है एक बटे साइन थीटा होता है, तो इसका साइन उल्टा कर दीजिए, जो साइन की वैल्यू है ना हमारे पास ये, इसका उल्टा किया इसको यहां दिया ये थीटा, ठीक है ना, ओके। क्या होता है ए बटे साइन, साइन उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, जीरो बटे इसका उल्टा क्या हो जाएगा टू, टू बाय वन इसका उल्टा क्या हो जाएगा रूट टू, ये इसको ऐसे ले यहाँ, इसको ये यहाँ ऐसे, यहाँ से इसका उल्टा क्या हो जाएगा दो बटे रूट तीन, ठीक है। और ये क्या हो जाता है वन वन का उल्टा क्या होता है वन। तो ये आपके सिलेबस में हमारे पास सिर्फ चार वैल्यू होते हैं, जीरो तीस पैंतालीस साठ और नाइनटी। 8.2 का कौन सा क्वेश्चन है, चलो मैं फर्स्ट का फोर्थ ले लेता हूं, ठीक है, ओके। साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसेक 60, सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री है, ठीक है, ओके। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, टेंजेंट 45 का तो वन, माइनस कोसेक 30 क्या होता है टू बाई रूट थ्री, ओके। सीकेंट 30 क्या होता है टू बाई रूट थ्री प्लस कोस 60 क्या होता है वन अपॉन टू प्लस कोट 45 क्या होता है वन। अगर आप वैल्यू भी सही रख देते हो तो आपको हाफ या वन मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते प्रश्न, इसका क्या लेंगे एलसीएम, टू अंडर रूट थ्री क्या हो जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस टू अंडर रूट थ्री माइनस का टू टू जा फोर अपन में आ गया, जिसका क्या आएगा टू रूट थ्री आ जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा फोर प्लस में रूट थ्री प्लस का टू रूट थ्री क्या हो जाएगा हमारे पास ये थ्री रूट थ्री माइनस का फोर अपॉन में टू रूट थ्री
नीचे का इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, टू रूट थ्री अपॉन में क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री प्लस का फोर, ये दोनों कैंसिल क्या आ गया हमारे पास, थ्री रूट थ्री माइनस का फोर अपॉन में थ्री रूट थ्री प्लस का फोर। ओके, अगर आपने ये वैल्यू रख देते यहां तक आपका 0.5 मार्क्स का आपका कंफर्म है, 1 भी मिल जाता कई बार। अगर आपने इससे आगे यहां तक वैल्यू कर दी है तो यहां तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, अगर यहीं पर छोड़ दिया तो आपको सिर्फ 1.5 मिलेंगे। आपको नीचे इसको अनुरूप को चेंज करना पड़ेगा, कैसे करते हम इसको आगे करना, रेशनलाइजेशन करना है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, इंटू में कर देते थ्री रूट थ्री माइनस का तो प्लस हो जाएगा, थ्री माइनस फोर है ना, इसको मल्टीप्लाई करते क्या होगा, थ्री रूट थ्री माइनस फोर का स्क्वायर, थ्री रूट थ्री प्लस का फोर, थ्री रूट थ्री माइनस का फोर, ठीक है, माइनस का फोर। इसमें क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास पता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, इसमें रख देंगे आप क्या हो जाएगा, ये थ्री रूट थ्री का स्क्वायर प्लस में फोर का स्क्वायर माइनस का टू इंटू में थ्री रूट थ्री इंटू में फोर, ये क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस में फोर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये चीज तीन तीन होते 27 प्लस 16 माइनस का चार तुम्हें आठ दिया 24, 24 रूट थ्री अपन में क्या हो जाएगा, तीन होते 27 माइनस का 16 माइनस 24, 43 माइनस का 24 रूट थ्री अपॉन में 11, ये आपका आंसर है, ये आराम से चेक करो इसका आंसर, ठीक है। तो बच्चों 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हमें जरूरी कंपलसरी है, सेकंड भी ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन अलग है वो मैं कल कराऊंगा आपको, कल मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम हो फर्स्ट सेकंड तो मुझे पता ना, कल वीडियो भेज दूंगा। ओके ओके सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।